महाराष्ट्र के नेता है वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। दोस्त की हैसियत से कभी कभी वो हमें जगाते हैं, कभी हम उन्हें जगाते हैं, हमारे बीच में चलता है। ठीक 11 दिन बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए पर्चा भरने का काउंटर बंद होने वाला है, लेकिन महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग की गाड़ी आगे बढ़ने को तैयार नहीं। महाराष्ट्र कांग्रेस कह रही है कि विवादित सीटों पर फैसला दिल्ली में आलाकमान की तरफ से होगा, तो उद्धव ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र के कांग्रेस नेताओं की क्षमता पर ही सवाल उठा रही। पूरे जगह महाराष्ट्र का मिला के मुंबई से 20 से 25 जगह जो है उसमें हाईकमांड डिसीजन लेंगी और कल नहीं तो परसों हमारी फाइनल अलायंस की डिक्लेयर हो जाएगी। तो महाराष्ट्र के नेता है वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, ऐसा मुझे लगता है कि बार बार उनको दिल्ली में लिस्ट भेजनी पड़ती है, फिर चर्चा होती है, अब वो समय निकल चुका है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये फैसला हो जाए। संजय राउत ने पहले कांग्रेस नेताओं की क्षमता पर सवाल उठाए, फिर इशारों इशारों में अपनी पार्टी को महाविकास आघाड़ी का बिग ब्रदर भी बता दिया। नाना पटोले का रवैया सर काफी अड़िग है, वो अड़ियल रवैया अपना रहे जिस। मुझे मालूम नहीं, शिवसेना के साथ कोई इस प्रकार का रवैया नहीं कर सकता, ये शिवसेना है, हम ज्यादा अनुभवी है महाराष्ट्र के। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीच इस कहासुनी के पीछे है पूर्वी विदर्भ, जहां दोनों पार्टियों के बीच सीटों का पेच फंसा हुआ है। बताया जाता है कि कांग्रेस पूर्वी विदर्भ में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के लिए कोई सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। कांग्रेस ये दलील दे रही है कि शिवसेना में दो फाड़ होने के बाद पूर्वी विदर्भ में शिवसेना यूबीटी की कोई ताकत नहीं बची है। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला वैसे तो अभी महायुति ने भी तय नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस पर चुटकी लेने में बीजेपी पीछे नहीं। अब उनकी परिस्थिति ये कर दिया है कांग्रेस और राष्ट्रवादी ने, उनको उनके पीछे भागने पड़ रहा है। मुझे दया आती है कि उद्धव ठाकरे जी इतना क्यों उनको शरद पवार जी और कांग्रेस के सामने क्यों झुककर काम कर रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।